अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब ठीक और खुश होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्स टच एक्स है, 2005 मॉडल है, बेहतरीन टायर रिम लगा हुआ है, वाइट कलर है, अच्छी कंडीशन में, एनसीपी नॉन कस्टम पैड गाड़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन साथ में दबा दीजिए ताकि हमारा भी सब जाए और आप तक हमारा नया वीडियो पहुँचती रहे। साथ साथ में मेरा एक और चैनल है पैरट मीडिया पीके के नाम से, मैं नाम स्क्रीन पे मेंशन कर लूँगा, तो सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि उसे भी सर्च करके सब्सक्राइब करें। ये 2005 मॉडल है, बेहतरीन टायर रिम लगा हुआ है, टच गाड़ी है, एनसीपी नॉन कस्टम पैड है। इसकी इंटीरियर और इंजन आपके साथ शेयर करेंगे। ये इसकी इंटीरियर है, की स्टार्ट है, ये इसकी मीटर, एंड्रॉयड स्क्रीन लगा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। ये टच है, इसमें एक एक्स आता है, सादा एक्स आता है, और ये टच एक्स है, यूनिवर्सरी भी आती है इसमें, मगर यूनिवर्सरी नहीं है, ये टच एक्स है। पाँच मॉडल है, क्योंकि छः मॉडल जो है वो यूनिवर्सरी आता है, और ये टच एक्स है। एंड्रॉयड स्क्रीन लगा हुआ है, ऑटो गियर है, पारमेक आया हुआ है इसमें। ईसी बिल्कुल क्लियर है, मैकेनिकल के लिहाज से भी बिल्कुल क्लियर है, बम्पर टू बम्पर है। 2005 एक्स करोला, ये फोर्थ यूनिवर्सरी वैसे ही मार्का लगा हुआ है, मगर ये एक्स टच एक्स है, 2005 मॉडल है। इसकी सर्विस अभी क्लियर सर्विस बाकी है इसकी। स्किडन की जिम्मेवारी होगी, इसमें रिम लगा हुआ है, बेहतरीन टायर लगा हुआ है, फुटबोर्ड लगाया हुआ है, ये इसकी चेसिस है। जो भी दोस्त चेक करना चाहता है तो वो चेक कर सकते हैं जापान पार्टनर पे, क्योंकि ये नॉन कस्टम पैड जितनी भी गाड़ी है वो जापान पार्टनर पे आसानी से चेक हो सकती है, वो मॉडल और बॉडी कलर बता देता है। इस पर थोड़ा सा खर्चा किया हुआ है, ये फुट बोर्ड लगाया हुआ है, अलग अलग फुट बोर्ड है, ये भी फुट बोर्ड है और ये भी फुट बोर्ड लगाया है, जाली चेंज किया हुआ है इसकी, क्योंकि इसमें ये जाली नहीं आता, इसमें वो दूसरी किस्म जाली आता है, मगर इसको जाली जो है वो चेंज किया हुआ है इसका। ये 1500 सीसी इसकी इंजन है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। मॉडल 1500 सीसी इसकी इंजन है, पेट्रोल है, ऑटो गियर है, और ये पर लीटर एवरेज देते हैं 12 से 14 तक एवरेज है इसकी पेट्रोल का ईसी में। और खूबसूरत गाड़ी है, जो भी दो शौकीन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 0305-94-21-130
आप इसे इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं निवीद मोटर बार्गेन। ये लोगो लगा हुआ है मेन जीटी रोड पे, ये हमारा शोरूम है निवेद मोटर बार्गेन जीटी रोड डंडा के स्वात। ये मेन जीटी रोड है स्वात का, स्वात का जो जीटी रोड है ये मेन, ये पिशावर की कोस्टर जा रहा है, ये मेन जीटी रोड है। तो आप विजिट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस गाड़ी की डिमांड 16 लाख रुपए इसकी डिमांड है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, 2005 मॉडल है, टच है, एक इसमें सादा एक्स आता है और एक टच एक आता है। ये सादा ये टच एक्स है, 2006 मॉडल नहीं है क्योंकि यूनिवर्सरी भी टच आती है, वो 6 मॉडल आती है, 6 मॉडल में टच एक्स नहीं है, टच एक्स 2005 मॉडल में आता है, ये 2005 मॉडल है। जो भी दो शौकीन है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया, आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं। नवीद मोटर बार्गेन जी टी रोड लंडा की स्वाद। इस गाड़ी की डिमांड मैंने बता दिया, इसकी 16 लाख रुपए इसकी डिमांड है, जो भी दो शौकीन है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे साथ ये मार्क एक्स खड़ा है, 2013 मॉडल है, प्रीमियम है, HID लाइट लगा हुआ है, फॉग लाइट है, बेहतरीन टायर रिम लगा है इसको। और इसकी 25 लाख रुपए डिमांड है। ये नया होंडा स्वीक आया हुआ है, अगर इसकी अभी मुझे कंफर्म रेट इसकी पता नहीं है, बेहतरीन टायर रिम लगा हुआ है इसकी। कोई भी शौकीन है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मालूमात हासिल कर सकते हैं और इस पर रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये इक्वा है, 2017-18 मॉडल है, HID लाइट लगा हुआ है, बेहतरीन कंडीशन में, सिल्वर कलर है, बम्पर टू बम्पर है और एस गाड़ी है, फुल ऑप्शन एस, फुल ऑप्शन गाड़ी है और इसकी 18.5 लाख रुपये डिमांड है। हाईब्रिड है, हर चीज़ की इसकी जिम्मेवारी होगी। जो भी दो शौकीन है, कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।